ठीक है एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। सो दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी कमेंट आ रही थी बहुत ज्यादा कि पेड फॉर आर्टिकल से अच्छा हम ब्लॉगर पे काम करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर लाइव प्रूफ के साथ अर्निंग एंड पेड व्यूज, ट्रैफिक किस में अर्निंग ज्यादा है, किस पे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों आपको, तो सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ मैं अपना सजेशन आपको दूंगा जिस पे मैं पिछले प्रीवियस डेज से वर्क करता आया हूं और उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो गाइस, आप लोगों ने काफी कमेंट्स किए थे कि कौन सा वेबसाइट बढ़िया है एंड पेड व्यूज क्यों नहीं मिल रहे हैं, और कुछ लोग स्टंटली पेड व्यूज लेना चाह रहे थे बट उस टाइम पे नहीं मिले, बट अब उन्हें मिल रहे हैं, तो उन्होंने भी कमेंट किए हैं दोस्तों एंड काफी कमेंट आए हैं। तो उनके कमेंट को देखते हुए दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है और काफी कुछ आपको सीखने को इससे मिलेगा। आपको यहाँ पे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपको किस पे वर्क करना चाहिए, किस पे नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। 2K सब्सक्राइबर के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब टारगेट रखते हैं 5K सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी से टच करा दोस्तों 5K सब्सक्राइबर्स एंड इस चैनल पे आपको एक से एक जेन्युइन एंड रिलेटेड लाइव प्रूफ के साथ वीडियोस डेली देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने कुछ चार्ट यहां पे बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत डीपली अच्छे से पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसा कि आपको पता होगा, पेड फॉर आर्टिकल पे हमें पेड व्यूज का रेवेन्यू बनता है एंड ब्लॉगर पे हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल से मिलते हैं। बट गाइस, ये चीज आपको भी पता है कि ब्लॉगर हमें पैसिव इनकम जनरेट करता है लाइफ टाइम तक, और इसकी अर्निंग इतनी है कि इससे ज्यादा इसकी अर्निंग है दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा। बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप इससे भी अर्न कर सकते हैं, ब्लॉगर से भी अर्न कर सकते हैं एंड पेड फॉर आर्टिकल से भी अर्न कर सकते हैं। सो आर्टिकल गाइस दोनों पे पब्लिश करना होता है हाई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड 1000+। तो मैं आपको वो सारी ट्रिकें आज प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में सब कुछ दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों, अगर हम ट्रैफिक सोर्स की बात करें तो चैनल पे अगर आप विजिट करोगे तो मैंने पेड व्यूज से रिलेटेड एंड एडसेंस से रिलेटेड, आपको एडसेंस फ्रेंडली कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे लाइव दिखा दे रहा हूं दोस्तों। अगर हम बात करें पेड व्यूज से, तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे पेड व्यूज अनलिमिटेड। सो जो भी मैं यहां पे गाइस आपको दिखा रहा हूं, रेडिट, क्योरा, पिंटरेस्ट, टिम्बलर एंड मीडियम, लिंक्डइन, सो सबसे रिलेटेड आपको वीडियोस इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी अगर आप पेड व्यूज लेना चाहते हैं तो। फॉर एग्जांपल आप यहां पे मेरे पेड व्यूज देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहीं से मिलते हैं और कुछ लोगों को पहले नहीं मिल रहे थे बट वो कंसल्टेंसी बनाए रखे और मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो किया उन्होंने, तो दोस्तों उन्हें पेड व्यूज अब मिलना स्टार्ट हो गए हैं। और आप यहां पे देख पा रही हैं रेफरल अर्निंग कौन सी होती है दोस्तों, ये रेफरल अर्निंग वो अर्निंग होती है जो मेरी लिंक के थ्रू लोग अर्न करते हैं, उनका 20% गाइस मिलता है। तो अगर ये $5 यहाँ पे बना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भी अर्न कर रहे हैं, ये आप लाइव देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी जेन्युइन है। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने वही कंटेंट डाले हैं जो मैं ब्लॉग पे अपलोड करता हूँ। अब गाइस मेरा ब्लॉग आप देख लीजिए, उससे पहले तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूं। तो ये देखिए fixedon.blogspot.com blogspot डोमेन गाइस, और यहाँ पे आर्टिकल मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए आर्टिकल टोटल कितने हैं, 15 आर्टिकल है। बट गाइस इनसे रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो बना रखी है, देखिए ये देखिए आपको हाई इंफॉर्मेशनल जो इंटरनेट पे आर्टिकल ना हो, अगर ऐसे आर्टिकल लिखोगे तो आपका आर्टिकल रैंक करेगा और वहां पे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हाउ डू आई फिक्स सॉरी दिस स्पेस इज नॉट अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। तो ये कीवर्ड तो इंटरनेट पर बहुत ही लो होगा और इसमें कंपटीशन भी बहुत ही लो होगा, इस वजह से ये रैंक कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पे इन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। और देखिए यहाँ पे देखिए गूगल एड्स बाई गूगल, सो यहाँ पे काफी एड यहाँ पे चल रहे हैं, आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों अब बात आती है कि मेरे ब्लॉग की, मैंने कौन कौन से ब्लॉग अपने ब्लॉग पे भी अपलोड किए एंड सेम आर्टिकल्स अपने पेड फॉर आर्टिकल्स पे भी अपलोड किए। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यही सेम थीम दोस्तों, सेम थीम मैंने ये वाली क्रैक करके, ये प्रीमियम थी, ये वाली क्रैक करके सेम थीम मैंने यूज करी। एज यू कैन सी यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरीके का ब्लॉग मैंने ये देखिए ये बना रखा है जीनियस गुरु के नाम से, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेम टू सेम उसी तरीके का ब्लॉग है। जब इस पर 15 या 13+ आर्टिकल हो जाएंगे तो इस पर भी अप्रूवल मिल जाएगा। और इस तरीके के ब्लॉग को कैसे कस्टमाइज करते हैं दोस्तों, उसके लिए भी ऑलरेडी आपको वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में एंड यहां पे ब्लॉग कस्टमाइजेशन ट्यूटोरियल्स, सो आप जब इस
इस प्लेलिस्ट को विजिट करोगे तो आपको वही सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिस तरीके से ये वाला ब्लॉग जो है वो कस्टमाइज किया गया है। जब आप यहाँ पे भी वही आर्टिकल पब्लिश करोगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजिली से मिल जाएगा। बट दोस्तों आपको स्मार्टली वर्क करना है। वैसे तो इंटरनेट से हर कोई अर्न करना चाह रहा है, बट गाइज अर्न वही कर पा रहा है जो स्मार्ट तरीके से एंड एडवांस चल पा रहा है वो, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे किसी को भी फॉलो करते हो मुझे नहीं पता, बट आप उसी को फॉलो करो जो जिससे आपको जेन्युइन कुछ सीखने को मिले। जब मेरे कमेंट्स में गाइस कमेंट आते हैं कि भाई पहले जो आप वीडियो कि भाई ये जो आप तरीका बताते हो वो फेक है, काम नहीं कर रहा, बट अब गाइस कमेंट आते हैं कि हाँ भाई वो काम कर रहे हैं, दैट मींस उन्होंने उन्हें अच्छे से फॉलो किया। देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म बेकार नहीं होता, आई मीन जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस है, जहाँ का ज़्यादा ट्रैफिक है, और जो मैं खुद पे प्रैक्टिकल करके आपको गाइस बता रहा हूँ तो वो डेफिनेटली अच्छा ही है, बिकॉज मैं सबसे पहले खुद पे प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बाद लाइव रूप के साथ आपको भी वही चीज़ रिकमेंड करता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा बहुत अर्निंग। So, अब बात करते हैं गाइस अर्निंग किस में सबसे ज्यादा है। सो ये चीज तो आपको भी पता है, अर्निंग दोस्तों सबसे ज्यादा आपकी ब्लॉग में है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली रेवेन्यू बनता है गाइस। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से लाना है जिससे आपके पेड व्यूज, एंड अगर ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग पे भी ट्रैफिक के बिना अर्निंग ही अर्निंग नहीं होगी। सो अब मेन चीज आती है कि आप लोगों ने कैसे आपको अपना ब्लॉग रैंक कराना है और कैसे पेड व्यूज लेने हैं। सो सेम टू सेम एज इट इज वही वाला मेथड हम फॉलो करने वाले हैं, ये वाला। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडिट की। तो रेडिट एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये जितने भी 6 प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 प्लेटफॉर्म लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे आप अपने एक आर्टिकल का लिंक या अपने एक ब्लॉग आर्टिकल का लिंक अगर आप यहां पे डालते हो और 15 से 20 आर्टिकल आप अपने ब्लॉग में डालो एंड 15 से 20 आर्टिकल एक ही निश के आप अपने पेड फॉर आर्टिकल्स में डालो और सभी का लिंक इसमें अच्छे से मेंशन करो, सभी का, ठीक है, अच्छे से गाइस। देखिए एक एक ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हैं, अगर इन पे आप ग्रुप्स वगैरह बना के डेली इस पे एक्टिव रहोगे, हर एक प्लेटफॉर्म पे डेली एक्टिव रहोगे तो दोस्तों आफ्टर 15 डेज आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट दोस्तों हमें थोड़ा तो अपना हार्डवर्क एंड अपनी स्मार्ट वर्किंग से हम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हर कोई इंटरनेट से अर्निंग करने लगे दोस्तों इतना आसान नहीं होता। सो आप चाहें तो कर सकते हैं। और दोस्तों जितनी भी मैं रिसेंटली वीडियोस आपको डेली अर्निंग रिलेटेड डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप वर्क फ्रॉम होम वाला प्लेलिस्ट को विजिट करोगे तो इसमें जो भी मैंने आपको डेली मेथड बताए हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। उससे आप क्या कर सकते हैं, गूगल एड्स के थ्रू अपने ब्लॉग्स पे ट्रैफिक ला सकते हैं, जी हाँ गाइज। बट गाइज ये आपको तब करना है। सो दोस्तों आई होप आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। और दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड या ब्लॉग से रिलेटेड या ब्लॉग कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं एक एक स्टेप बिल्कुल बिगिनर्स एंड फ्रेशर से स्टेप बाय स्टेप इस तरीके का ब्लॉग कस्टमाइज करके फिर से दोस्तों बता दूंगा, बट आप हमें कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है। और मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आज के टच होने पर आपको एक से एक बढ़िया बेहतरीन यूजफुल वीडियो डेली चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।